कोरोना वायरस संक्रमित एक और मरीज की रविवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। जिले में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। वहीं बेलीपार थाना क्षेत्र के कनैल गांव में एक और कोरोना संक्रमित केस पाए जाने के बाद मरीजों की संख्या 80 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या 55 और 19 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आपको बता दें, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रविवार को एक और कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई। वह बढ़ालगंज के कोलुआ चैनपुर गाँव का रहने वाला था। उसका अंतिम संस्कार राजघाट पुल पर पुलिस और परिजनों की देखरेख में किया गया। अब तक जिले में कोरोना संक्रमण से 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि कोलुआ चैनपुर का रहने वाला 45 वर्षीय व्यक्ति मुंबई में रहता था। वह 19 मई को घर पहुंचा था। 23 को अचानक उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कोरोना वार्ड में इलाज चल रहा था। इस बीच ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर युवक का सैंपल लिया गया। 27 मई को रिपोर्ट आई तो कोविड-19 पॉजिटिव मिला। इलाज के दौरान ही रविवार को युवक की तबीयत बिगड़ी। चिकित्सकों ने प्रयास किया लेकिन कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। इस संबंध में बदरिये दूरभाष गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि बढ़ालगंज के युवक का लीवर खराब हो गया था। अब कोरोना संक्रमण हुआ है तो दिक्कत बढ़ गई। युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों और पुलिस की देखरेख में कोविड-19 के नियमों के तहत उसका अंतिम संस्कार राजघाट स्थित शमशान घाट पर कराया गया।